शाहिद माल्या और रिद्धि कपाड़िया का शानदार म्यूजिक वीडियो सारा डाउनटाउन बी फॉर यू ने किया लॉन्च। शाहिद कपूर की फिल्म मौसम के सुपर हिट गाने रब्बा मैं तू मर गया फेम सिंगर शाहिद माल्या और नवोदित रिद्धि कपाड़िया का शानदार म्यूजिक वीडियो सारा डाउनटाउन मुंबई में हुए एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया, तो यहां बॉलीवुड की कई हस्तियां स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद थी। अरवा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने इस शानदार म्यूजिक वीडियो की प्रोड्यूसर काजल कपाड़िया है। अरवा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित गीत को भी फॉर यू म्यूजिक के जरिए रिलीज किया गया है। बड़े पैमाने पर शूट करके इस हाई क्वालिटी के साउंड को तैयार किया गया है। शानदार वीडियो के डायरेक्टर गणेश शिंदे हैं। गाने में शाहिद माल्या की सुरीली आवाज है, गीत संगीत मोहम्मद आसिफ का है। वीडियो में शाहिद माल्या के साथ रिद्धि कपाड़िया नजर आ रही हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री गजब दिख रही है। मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था इस गाने की, तो मुझे गाना अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आजकल सब सिंगर वीडियोस में आते हैं खुद के, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो फिर बातचीत हुई, फिर उन्होंने भी कहा कि चलो लेट्स डू, तो ऐसा करके कहानी शुरू हो गई। लॉकडाउन में घर पे मत बैठिए, हॉल में चले जाइए और हॉल में जाके गाना लाउड करके डांस करिए, एक्सरसाइज करिए, और जो भी आपने फैट की चीज़ें खाई हैं ज़्यादा बैठ के जो खाना खाया वो सब हज़म करें और अपने मोटापे को कम करें, और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप सेहत को मजबूत करें। मैं सिंगर हूं तो मैं सिंगर्स लोगों को ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शहर एक फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें तैयार होती हैं, बनती हैं, लेकिन फैक्ट्री में वही चीज़ जाती है जिसमें कुछ बात होती है, तभी वो तैयार हो सकती है। अगर कुछ बात ही ना हो, मान लो बिस्किट की फैक्ट्री है, अगर उसमें आटा ही ना हो, उसमें मैदा ही ना हो, तो वो बिस्किट बनेगा कैसे? तो आपको पहले तो वो चीज़ इंग्रेडिएंट बनना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं। तराश यहाँ के लोग लेते हैं, लेकिन वो चीज़ अंदर होनी चाहिए। और आप जिस शहर से भी आ रहे हो या फिर इस शहर के भी हों, तो आप कम से कम अपने घर वालों से पूछिए या फिर अपने पड़ोस से पूछिए या फिर किसी गुरु से पूछिए कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस लाइन में जाऊँ या कुछ करूँ। पहले उनका कॉन्फिडेंस, उनसे आशीर्वाद लेके आगे बढ़ें। और दूसरा, जो एक्टर्स हैं सब, उनके लिए भी सेम चीज़ लागू होती है। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, बट यहाँ आकर अगर मेहनत करनी है तो आपके अंदर एटलीस्ट वो चीज़ें होनी चाहिए जिनको तराशें भी तो एक अच्छा एक्टर या अच्छा सिंगर या अच्छा कलाकार निकले बाहर। तो ये लाइमलाइट देखकर हम लोग आ जाते हैं, सुनहरी पर्दा देख के आ जाते हैं, यहाँ की जो एक आकर्षक चीज़ है मुंबई की, वो देख के हम लोग प्रभावित होते हैं और बॉम्बे आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रभावित होने से पहले अपने आप को निखारें, अपने आप पर काम करें, और फिर आप निकलें, फिर आपको यहाँ पे मुंबई ज़रूर नवाजेगी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था लॉकडाउन में शूट करने के लिए, बिकॉज़ वी हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज विद अस, हमारे पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की बहुत कम थी, कहाँ से कैसे किसको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ अवेलेबल ही नहीं था कहाँ से। फिर हमने लोनावला में, हम लोग ने शूट एक्चुअली लोनावला में करा, सब कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशली हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चला था। हम लोग ने कैसे ट्रैवल किया, बहुत रिस्क लेके ट्रैवल किया, कहीं कोई रोक ना ले, कहीं कोई कुछ करना दे। मेरे कॉस्ट्यूम्स खुद के बहुत ही डिफ़िकल्ट वे से अरेंज हुए, क्योंकि सब कुछ बंद था, ऑनलाइन स्टोर्स एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड। सो मैंने बहुत ही मतलब चिक चिक करके कॉस्ट्यूम्स अरेंज किए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और वो भी लॉकडाउन में, वेर यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विद यू, एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू बी ऑनेस्ट। सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको, आप वो करो, अगर आपकी सहमति किसी चीज़ में नहीं है तो आप मत करिए वो चीज़। आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो आप मत करो। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, अगर कोई आपके साथ रॉन्ग बिहेव कर रहा है, तो आप उधर ही स्टॉप हो जाओ, आप उधर ही स्टैंड ले लो कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, एंड यू हैव टू पुट योर वॉइस। अगर आप खुद के मन से कर रहे हो, आप रेसिप्रोकेट भी उतना ही कर रहे हो, तो फिर इट इज़ डेफिनेटली योर चॉइस। बट या अगर आपको नहीं कहीं सही लग रहा है, कहीं गलत लग रहा है, तो यू हैव टू स्पीक अप। सो जस्ट स्पीक अप इफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, इफ एनीथिंग इज़ राइट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग यू हैव टू जस्ट स्पीक अप। जब काम शुरू किया इसके ऊपर, जब से मतलब गाना कम रिकॉर्ड होने के बाद से लेकर सब कुछ, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, बंद हो गया सब कुछ,
देन उसके बाद में फिर शूटिंग के लिए बुक करना विला, काफ़ी दिक्कत है लेकिन सब कुछ हो गया। लेकिन इस गाने के बारे में बताना चाहूँगा कि गाना केवल ये जो आपके सामने आज है, जो आप इन जो आप सभी इसको प्यार दे रहे हो, ये सिर्फ एक 40 मिनट में बना हुआ गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एल्बम जो है पंजाबी है, जो आज का जो जनरेशन है उनको बोलते ना जो चाहिए, जो सॉन्ग्स चाहिए, जिनका बोलते ना एक जो ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड के हिसाब से हमने ये सॉन्ग बना है। और ये सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है और इतना मस्त है कि आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पार्टीज़ डीजे में तो ये तो चलेगा 101%। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे ये अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है और बी4यू चैनल पे रिलीज़ भी हो रहा है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद माल्या इज़ ऑब्वियसली इज़ बॉलीवुड सिंगर, उसके बारे में कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो शाहिद माल्या इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी, उनकी बहुत सारे अच्छी आवाज़ों में सॉन्ग्स है, तो उन्होंने भी एक अच्छा एक बोलते ना कि एक पार्टी टाइप सॉन्ग्स उन्होंने किया है, तो ही इज़ द बेस्ट। एंड रिद्धि शी इज़ द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और मतलब वो तो आर्टिस्ट, मतलब एक माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट है, जो शूट के लिए उनको वन टेक में हर चीज़ काम करती थी वो, और रातों दिन काम में इतना बिजी रहती थी कि नहीं हमको शूट करना ही है, किसी भी हाल में करना है, और वन टेक में सारी चीज़ें उसने क्लियर की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बहुत बेस्ट एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी जोड़ी है, और ऊपर वाला हमारे साथ में तो हो जाएगा। इस एल्बम रिलीज फंक्शन के मुख्य अतिथियों में मशहूर संगीतकार दिलीप सिंह मौजूद रहे। ये एल्बम बहुत प्यारा बना है, इसको क्योंकि खास ये इसलिए रिद्धि और शाहिद माल्या जी इसमें एज ए हीरो हीरोइन है, प्लस शाहिद ने खुद गाया है। शाहिद हमारे परिवार का हिस्सा है, और परिवार का हिस्सा इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में से ही है वो, और उसने काफ़ी मेहनत की इस मुकाम तक आने के लिए। बहुत खुशी है कि आज वो इस मौके पे वो यहाँ आया और इसका म्यूज़िक मेरे हाथों रिलीज़ हुआ, तो एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इंशाल्लाह मैं दुआ यही करता हूँ ईश्वर से, प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी एल्बम ज़्यादा चले, और लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप जैसे दूसरे पंजाबी गाने सुनते हैं वैसे इन गानों को भी सुने, क्योंकि कुछ नया इन लोगों ने किया है। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर होने के नाते मैं इसकी तारीफ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग हमारा गाना करने के बावजूद भी हम लोग जब दूसरा कोई गाना सुनते हैं उसमें कुछ अच्छी बात होती है, तो वो लगी मुझे बात, और ये एल्बम में एक बहुत ख़ास बात लगी, और पंजाबी होते हुए भी आपको गुदगुदाएगा, हिट म्यूज़िक है ये, इंशाल्लाह बहुत चलेगा। ऐसी बात नहीं है, देखिए कि इंडस्ट्री ने सबका हाथ पकड़ा है, अभी जाहिर सी बात है, चलो हमारी चार पीढ़ियाँ इस लाइन में हैं, मगर हमें भी इस मुकाम तक आने के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। आप आते हो मगर आप अगर प्रॉपर ट्रैक के थ्रू आओगे, आज ज़्यादा दूर मत जाइए ना, शाहिद को ले लीजिए, शाहिद का इसके परिवार का हमारा रिश्ता आज का नहीं है, मतलब एक पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला रहा है, पर इस बच्चे को आज 2021 में इतनी बड़ी सक्सेस मिली 20 और 21 में। तो मेरा कहना है मतलब कि जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो एक तो अपना गुरु सही रखें वो, और उसके अलावा प्रॉपर सीखें उसको, और सीखने के बाद में इस लाइन में आना चाहिए, जो प्रॉपर सीख के आएंगे तो ज़रूर इसमें सक्सेस होंगे। तो मेरी यही आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबको यही कहना है कि भाई आप आओ इस लाइन में, और हो सके तो अपनी फुल तैयारी में आओ, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप एक दिन मुकाम जरूर पाएंगे। थैंक यू। इस म्यूजिक वीडियो को बहुत ही भव्य ढंग से बेहतरीन लोकेशन पे फिल्माया गया है, इसका संगीत दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा है। शाहिद माल्या और रिद्धि कपाड़िया के अलावा वीडियो में रितिका कपाड़िया, मैक ढकोरिया ने भी सपोर्टिंग भूमिकाएं की हैं। सभी ने रिद्धि कपाड़िया को शुभकामनाएं दी और गाने के सुपरहिट होने की कामना की। इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि पहली एल्बम है लोगों की, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये पहली एल्बम कर रहे, मुझे बाद में बताया गया कि भाई ये लोग का फर्स्ट गाना है, पहली एल्बम है, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई 4-5 गाने कर चुके होंगे। लेकिन लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया, लड़के ने भी बहुत अच्छा काम किया, शबीर भाई ने दोनों से मिलाया मुझे, और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इन लोगों को बहुत तरक्की दे और आगे एल्बम क्या ये बड़ी से बड़ी फिल्म करे बॉलीवुड की और बड़े एक्टर बने। मैंने जैसे सलमान खान की वीर गति किया था, उसमें इन बॉलीवुड फिल्म सलमान की ऐसी कि फर्स्ट टाइम उसको ओपन बॉडी मैंने ही कराया हूँ पिक्चर में, और उस फिल्म के बाद से जो है सलमान खान ओपन बॉडी के नाम से मशहूर है। उसके बाद में मैंने सलमान की जुड़वा किया, बंधन किया, आमिर खान की मैंने गुलाम किया हूँ, सरफरोश किया हूँ, अकेले मकेले तुम, बाजी, मेला, और सनी देओल की काफिला किया हूँ, संजय दत्त की हम, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई,
ऐसे काफ़ी फिल्में किया हूँ और दो फिल्म फेयर अवार्ड लिया हूँ, बेस्ट एक्शन गुलाम 99 में और बेस्ट एक्शन बंधन। मेरी राय तो ये है जो नए लोग बॉलीवुड में एक्टर बनने आते हैं, चाहे वो एल्बम हो या बॉलीवुड की कोई फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या सीरियल हो, तो मेरा अपना एक तजुर्बा है कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, थोड़ा कोऑर्डिनेटर को पैसा देने से अच्छा अपने आप पे खर्च करे, वो प्रॉपर एक्टिंग सीखे, डांस सीखे, जो आर्टिस्ट को ज़रूरत है, जैसा कि कार चलाना है, बाइक चलाना है, अच्छी एक्टिंग है, अच्छी स्विमिंग है, थोड़ा बहुत एक्शन है, जो कभी कभी हीरोइन का भी बॉलीवुड फिल्म में आ जाता है, लड़के का भी आ जाता है। तो ये सीखने से क्या होता है कि आपको काम मिलने बहुत आसान हो जाता है। आप बता सकते हैं कि भाई मुझे डांस आता है, मुझे फाइट आती है, मैं कार चला सकती हूँ, मैं बाइक चला सकती हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग जानती हूँ, मैं रोना जानती हूँ, मैं हंसना जानती हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऐसा कोऑर्डिनेटर को आप दोगे लाख दो लाख रुपया, वो बोलेगा मैं काम ढूंढ रहा आपके लिए, बेमतलब खर्च है, वो खर्च आप अपने आप पे करो ताकि और तरक्की करें आप। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, आई कैन सी दैट थ्रू द म्यूजिक एल्बम एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम, बहुत अच्छा काम किया है ना, होप कि ये फर्स्ट नहीं, इनके प्रोजेक्ट्स और होते रहे, अच्छा प्रोग्रेस हो इनका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द सॉन्ग एंड द सिंगर, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग। कि अगर आप में टैलेंट है तो आप ट्राई करें, और गुरु की बहुत ज़रूरत होती है हर एक चीज़ में, बिकॉज़ विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, कैरेक्टर आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं प्रॉपर। तो प्लीज़ बिना बैकअप के, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के मत आइए इंडस्ट्री में। अगर आपको आना है तो फुल तैयारी के साथ आइए, अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं भी है तो आके बन जाएंगे, अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। देखिए ये एल्बम जैसे कि मैंने देखा काफ़ी अच्छा शूट किया है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस जितनी भी टीम है सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, कि ये एल्बम बहुत हिट हो और सब लोग आगे बढ़े। आप एक्टिंग के लिए आइए लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, लेकिन अगर नहीं तैयार प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। कल को अगर आपको कुछ अच्छा काम नहीं मिलता है तो ऐसा ना हो कि आप सुसाइड कर लेते हो, वापस चले जाते हो, बहुत हर्ट होता है। तो जो भी करो प्लीज़ एक बार पूरी तरह से नॉलेज लेकर करो। आज के जो बच्चे आते हैं और जो मायूस होकर चले जाते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, प्रॉपर गुरु नहीं होता, प्रॉपरली सीखते नहीं हैं, एंड बेचारे चले जाते हैं और उसके बाद में धक्के खा के वापस चले जाते हैं और बाद में इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं जब आया था एक ज़माने में, देव साहब आए नए थे, दिलीप साहब आए नए थे, राज कपूर साहब आए नए थे, तो सभी लोग नए थे एक ज़माने में। धीरे धीरे वो करते गए, काम करते गए, चलता गया सिलसिला, चलता गया और सीखते रहे और काम करते रहे, तो इस तरह चलता है। इन बच्चों को अच्छा किया है शाहिद ने, बहुत अच्छा किया है, लड़की भी अच्छी है, खूबसूरत, दोनों खूबसूरत हैं, और मैं आई विश देम वेरी गुड लक। इस म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन फॉर्च्यून लाइफलाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के शब्बीर शेख द्वारा किया जा रहा है। हम तो ऐसे बच्चे आते हैं, बड़े बड़े एक्टरों को हमने सपोर्ट किया और कब इतने बड़े फिल्म स्टार बने, लेकिन कहीं भी एक्टर देखते हैं जैसे रेखा जी हो गई, समिता पाटिल हो गई, और काफ़ी बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, और बच्चे आए और फैशन शो में आए, इसमें आए, उसमें आए, और तरक्की की, और बड़े बड़े एल्बमों के बाद पिक्चरें की, जिसमें मेरे साथ जो निकली श्वेता तिवारी जी है, हेलो संगीता तिवारी जी है, जो हमारा परिवार है, आज टॉप के एक्टरों में गिनती है उनकी। मेरी भी तमन्ना है कि कापड़िया आगे बढ़े, हमारी बेटी है आगे बढ़े, यही दुआएं हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।